यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मेहंदी बनो, बहुत मजेदार गेम। चाचू मैं भी बनूंगा। अरे हो जाएगा, फिर कमीशन पे जाओ। रेडी सर? खड़े रहो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि माइकल डोडी कैमरा हाइट कितने हैरान क्यों? हैरान तो हमें होना चाहिए ना तुम्हें यहाँ देखकर। बताओ लक्ष्मी को यहाँ क्यों बुलाया तुमने? और वो भी छुप छुप के इस मासूम से बच्चे के हाथ। हमने तुम्हें कहा था ना कि अब तुम दोनों सीधा शादी के दिन ही मिलोगे, फिर भी तुम चले आए और वो भी अपनी बुआ को साथ लेकर आए। बताओ क्या काम था लक्ष्मी से? अब मैं बोलूंगी तो मेरी बात सबको बुरी लगी, पर ये सही नहीं हो रहा है। कार्तिक ने पहले भी ऐसा किया है, कुछ तो है। अरे जो भी है सबके सामने बोलो। मगर पहली बार समधन जी ने कुछ सही कहा। बताओ कार्तिक, अपनी मेहंदी छोड़कर तुम यहाँ आए, कोई बात तो जरूर होगी। हाँ कार्तिक, कोई बात है तो बताओ, कोई परेशानी है क्या? ऐसा क्या कहना है तुमको जो तुम रुक नहीं पा रहे हो? बिल्डअप के कार्तिक अभी बता देगा। बिल्डअप है अटो दादा। अरे अब क्या बताए, बेचारे का मजनू जैसा हाल हो रखा। अरे दीवाना हो रखा है लक्ष्मी का, एक पल नहीं रह पा रहा उसके पास। लेकिन अब एक तरफ बुआ को देखा कार्तिक ने, संजना जस्टर्स के बोलो कार्तिक वासुदेव सिंह सिम से वो भी हो गया इसका लाइन। भाभी आपने सही कहा, एक्शन। भाभी आपने सही कहा, जो है वो भी बोल देना चाहिए। तो माय गाइडेंस मैं लक्ष्मी से कि मैं कार्तिक संजना तुम मेहंदी के लिए कार्तिक को बुलाने गई थी ना और यहाँ गई क्यों? अभी कार्तिक लेकर आई। झूठ मत बोलो तुम। संजना तुम्हें कार्तिक को मना करना चाहिए था, आजकल के बच्चे मनचले होते हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तो मान लोगी क्या? पर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा तुम करना क्या चाहती हो। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है, किसी चीज का ख्याल नहीं है। अरे रिस्क के लिए सिर्फ एक घंटा बाकी और तुम यहाँ आ गई, किसी चीज की कदर नहीं है ना तुम्हें? क्या जाने दीजिए मंगल, ठीक है अब और कुछ कर भी तो नहीं सकते। कार्तिक तुम अंदर जाके बैठो, आज तुम्हारी मेहंदी यही होगी। मेहंदी के फंक्शन के बीच लक्ष्मी और कार्तिक का छुपकर मिलना पड़ा भारी। मंगल ने कार्तिक के मन की बात जानने की कोशिश। कलर्स टीवी के शो मंगल लक्ष्मी के ऑन लोकेशन से हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जहां पर हमें ये देखने मिल रहा है जैसा कि कार्तिक अपनी बुआ के साथ अपनी मेहंदी फंक्शन छोड़कर आ चुका है लक्ष्मी से मिलने के लिए, जहां पर मंगल के बेटे के हाथों वो लक्ष्मी तक मिलने का खबर भेजता है। लेकिन यहां पर मंगल का बेटा पूरे परिवार को कार्तिक की इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसके चलते इससे पहले कि लक्ष्मी और कार्तिक की बात हो पाए मंगल का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, जहां पर मंगल कार्तिक के मन के बात को जानने की कोशिश करती है। लेकिन आदित्य कार्तिक को लक्ष्मी का मजनू बताकर उस बात को टाल देता है। लेकिन ऐसे में कार्तिक चुप नहीं बैठता और कार्तिक इस बार मंगल के सामने सच बताना चाह रहा होता है। लेकिन इससे पहले ही कार्तिक की माँ आ जाती है और कार्तिक पर रोक लगा लेती है। वेल क्या है आपका कहना, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।